अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन द न्यू वीडियो। मेरा नाम उमर मलिक है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को नंबर ऑफ़ पिक्स जो है वो फाइंड करने का तरीका बताएंगे कि यानी कि 100 स्क्वायर फीट की अगर आपकी एक वॉल है, यानी कि 10 बाय 10 फीट की वॉल है, तो वो 100 स्क्वायर फीट होता है। तो 100 स्क्वायर फीट की एक अगर आपके पास एक वॉल है, तो उसमें से आप लोग नंबर ऑफ़ पिक्स जो है वो किस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हैं, मुकम्मल तरीक़ेकार जो है वो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस किया करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियो की जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जी हाँ, आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एक 100 स्क्वायर फीट की जो है वो वॉल मौजूद है, और आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो 10 फीट है, और इसकी जो विड्थ है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि 10 फीट है, और इसकी जो थिकनेस है वॉल की वो है हमारे बस 9 इंच। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसका जो है वो हमने वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए सबसे पहले जो है वो हम इसका वॉल्यूम जो है वो मालूम करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल, तो सबसे पहले हम इस ब्रिक का जो है वो वॉल्यूम मालूम करेंगे। 10 × 10 × 9/12, ये है हमारे पास 9/12। हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एक फिट के अंदर होते हैं 12 इंचेस। और इसके बाद जो है वो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास आ चुकी है 75 क्यूबिक फीट। ये हमारे पास आ चुकी वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल। और सेकंड नंबर पे हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो सेकेंड नंबर पे हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो उसके लिए हमारे पास वन ब्रिक की जो है वो डायमेंशन होनी चाहिए, जैसे कि 9 इंच जो है वो इसकी लेंथ है, और इसकी जो हाइट है वो 3 इंच है, और इसकी जो 4 इंच है, और इसको हम, ये है हमारे पास 9/12 इनकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये हमारे पास आ चुकी हैं 0.75, 0.33, 0.25, और इसका जो इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो इसकी हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 0.0618। ये हमारे पास आ चुका क्यूबिक फिट। ये हमारे पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक की जो है वो हमारे पास वैल्यू आ चुकी। तो फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल की कैलकुलेशन भी हमारे पास आ चुकी है, और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक की जो है वो कैलकुलेशन हमारे पास आ चुकी है। और तीसरे स्टेप के अंदर हमने क्या करना है कि हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स अब हमने जो है वो फ्रेंड फाइंड करना है, और हमारे पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल भी जो है वो हमारे पास, उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुकी है, और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक की भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल की जो हमारे पास आ चुकी थी वो 75 क्यूबिक फिट है, और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक की जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास 0.0618 क्यूबिक फिट ये हमारे पास आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ चुकी 1213
नंबर। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ चुकी हैं 100 स्क्वायर फीट की वॉल की, जो हमारे पास आ चुकी हैं 1213 जो है वो ब्रिक्स, जो है वो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे पास आ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास 100 स्क्वायर फीट की जो है वो ब्रिक्स नंबर जो है वो आ चुकी हैं, यानी कि 100 स्क्वायर फीट के अंदर जो है वो 1213 ब्रिक्स जो हैं वो लगती हैं। और उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि 1 क्यूबिक फीट के अंदर जो है वो कितनी ब्रिक्स लगती हैं। तो 1 क्यूबिक फीट फाइंड करने के लिए हमारे पास होना चाहिए वॉल्यूम, जो कि हमने पहले से जो है वो फाइंड कर रखा है, जो कि है हमारे पास 75 क्यूबिक फीट जो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल है। और सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि आपने 1213 को आपने डिवाइड करना है 75 से, तो ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है 16.12 क्यूबिक फीट, यानी कि आपके 1 क्यूबिक फीट के अंदर आप लोगों की जो ईंटें लगती हैं वो 17 ईंटें जो है वो आप लोगों की यानी कि ब्रिक्स लगती हैं 1 क्यूबिक फीट में, और 100 स्क्वायर फीट में आपकी 1213 ब्रिक्स लगती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की इस वीडियो से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।